अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट तलहा फ्रॉम तलहा रिव्यूज यूट्यूब चैनल। गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स 08i की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। दिस इज नोट 08i की अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि 35,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में। और अभी ये जो फोन है ये ऑफलाइन में भी आ चुका है और इसका जो आपको अराउंड डिस्काउंट मिलेगा वो 33,500 तक तो मिल ही जाएगा। और अगर आप इसको डिस्काउंट में बाय करने में इंटरेस्टेड है, स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहे हैं शाम मोबाइल, ठीक है, दो नंबर है, आप किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें तो यहाँ से आपको कोई भी मोबाइल मिल जाएगा। कि अगर आपको ये चाहिए या कोई और मोबाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हर चीज है, चेक कर लेना। सो आज की इस वीडियो में करते हैं 08i की अनबॉक्सिंग, दूंगा फर्स्ट इंप्रेशंस, डिटेल के साथ बताऊंगा इस फोन के बारे में। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं। चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो अगर इसके बॉक्स को देखें तो ये जो 08 है वैसा ही बॉक्स है, बस साइड पे 08i मेंशनड है। लेकिन अगर बॉक्स को ओपन करते हैं ना यार, ये जो फ़ोन 35,000 में आया ना, लेकिन इसमें स्पेक्स अच्छे हैं। अगर आपको बाय करना ना एक अच्छा फ़ोन, वीडियो को देख लेना, आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ कवर करता हूं। और जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे सबसे पहले आपको मिलती है आपकी डिवाइस और उसके ऊपर भी कुछ मेन हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, लाइक 90Hz स्मूथ डिस्प्ले, हीलियो G90T, 128GB स्टोरेज और 45mAh की बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग। सो सब कुछ बताऊँगा आपको, लेट्स कीप अ साइड। और जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं उसके बाद आपको एक फोल्डर मिलता है छोटा सा, जहां पर आपको बाहर वाली साइड पे पिन टूल मिलता है, सिम टूल कह सकते हैं आप इसको। और अगर आप इसको ओपन करते हैं उसमें देखते हैं कि क्या है, तो यहां पर कुछ पेपर वर्क है और ये जो पेपर है ये आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपने फोन के ऊपर। उसके बाद ये कुछ पेपर वर्क है और ये स्टिकर्स हैं 08 या 08i के। सो ये भी चीज हम साइड पर कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है जी बॉक्स में आपका पाउच, एक सिलिकन पाउच आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी ठीक है, इतना ज़्यादा नरम नहीं है, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर बॉक्स में देखा जाए तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है जी एक 33W का ब्रिक जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सो ये यहाँ पर माइक्रो USB की पोर्ट है। उसके अलावा अगर इसकी केबल को देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो है माइक्रो USB 2 टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है जिसके अंदर वाली साइड पे ऑरेंज कलर है। सो ये अच्छा काम है आजकल, पहले मेरा ख्याल है रियलमी ने ये चीज़ स्टार्ट की थी कि अंदर वाली साइड को येलो बनाते थे। खैर लेट्स कीप आ साइड, हर चीज़ को साइड पे करके आपको फ़ोन के बारे में बताता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। अपना फ़ोन रख लेते हैं, अपना सिलिकन केस रख लेते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं साइड पर। सो सबसे पहले हम ये फ्रंट साइड का स्टिकर उतारते हैं, उसके बाद बैक का भी उतारने का हमारा हक बनता है। तो ये लो जी, हाँ हाँ हाँ, बैक की लुक काफ़ी शाइनी सी लुक है, मतलब कि अच्छी लुक है यार। और डायमंड कट शेप में कैमराज है। और अगर फ़ोन के ओवरऑल लेकर बात करें तो बैक जो है वो प्लास्टिक है, यहाँ पे ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक है। लेकिन जो लुक आ रही है वो ग्लोसरी सी लुक है, लेकिन है प्लास्टिक। फ्रेम जो है वो भी प्लास्टिक है। उसके अलावा फ्रंट साइड पे आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है। तो अगर फोन का ओवरऑल रिव्यू करें तो बॉटम वाली साइड को अगर आप देखते हैं तो 3.5mm का जैक है, उसके बाद आपको मिलता है आपका माइक्रोफोन, उसके बाद USB टाइप सी की कनेक्टिविटी है, उसके बाद आपके स्पीकर ग्रिल्स हैं, ये सारी चीजें बॉटम वाली साइड पे हैं। राइट साइड की बात करें यहाँ पर आपका पावर बटन है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है और वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज है। ऊपर वाली साइड पे कुछ नहीं है। और उसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो सिम ट्रे मिलती है, तो देख लेते हैं कि सिम ट्रे का क्या सिनेरियो है। सो अगर इसकी सिम ट्रे को ओपन करते हैं हम यहाँ से तो देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है सारा। सो ये डुअल नैनो सिम सपोर्टेड है जहाँ पर आप एक SD कार्ड भी अप टू 256GB तक यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको SD कार्ड की जरूरत पड़ेगी बिकॉज इट विल बी कम जोन 8GB प्लस 128GB स्टोरेज। सो ये चीज है, लेकिन यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक एक्स्ट्रा SD कार्ड की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल हम अपना जो केस है उसको भी फोन के ऊपर अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। सो यार फोन की लुक काफी मजे की है, तकरीबन ग्रीन कलर में आता है और अभी इसमें डायमंड ग्रीन कलर ही है और कोई कलर नहीं है इस फोन में। और अगर इस फोन के डिस्प्ले को लेकर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि मेन हाइलाइटिंग फीचर या मेन की फीचर यही है इसके डिस्प्ले में, यहाँ पर आपको 6.9 इंच का एक FHD+ डिस्प्ले मिलता है जहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। सो ये काफी अच्छी चीज है। और अगर आप 90Hz को यूज करोगे ये चीज आपको तब पता चलेगी, लाइक अभी मैं सेटिंग्स में जाकर इसको 60Hz पे करता हूँ और यहाँ पर 60Hz और 90Hz में काफी ज्यादा फर्क आएगा। सो ये देखिए मैंने इसको 60Hz पे किया तो यहाँ पर आपको स्क्रीन की स्मूथनेस का पता लगेगा। उसके बाद अगर मैं दोबारा सेटिंग्स में जाकर जो है वो इसके डिस्प्ले को 90Hz के ऊपर करता हूँ तो फिर हमें स्मूथनेस का पता चलता है। सो यार काफ़ी मतलब कि मज़े की चीज़ है ये, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती है। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन में या डिस्प्ले में किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन कन्फर्म नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, बट आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक पेपर देखने को मिलता है जो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। डुअल सेल्फी के साथ आता है, बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप है और
यहाँ पर अगर कैमरास को लेकर बात कर ली जाए तो बैक पर जो क्वाड कैमरा सेटअप है वहाँ पर आपको मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलता है, उसके बाद 8 का अल्ट्रावाइड है, 2 का मैक्रो और 1 AI लेंस है। और अगर इसकी कैमरा क्वालिटी की बात की जाए ना, बात सुनो यार, इसकी अगर आप नॉर्मल पिक्चर कैप्चर करोगे ना वहाँ पर आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, लेकिन इसमें खुद एडिट का ऑप्शन होता है, जब उसको आप एडिट करोगे, कलर सेचुरेशन करोगे या कलर ग्रेडियंट करोगे, ये वहाँ पर आपके पास काफी ऑप्शन आते हैं, तो तब आपको पता चलेगा पिक्चर क्वालिटी का क्या सीन है। सो यहाँ पर मैं आपको इसकी पिक्चर्स और कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ। और इस फोन में वीडियो स्टेबलाइजेशन का मोड भी आता है, सो ये चीजें आपके लिए काफी अच्छी है। फ्रंट की बात करूँ, फ्रंट पे आपको जो है वो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, उसके बाद 8 का अल्ट्रावाइड आपको फ्रंट पर भी देखने को मिलता है। अब कैमराज मैंने इस फोन के स्टार्ट में इसलिए डिस्कस कर लिए बिकॉज ये फोन कैमराज के लिए भी है, उसके अलावा कुछ और चीजें भी बहुत अच्छी डालकर दी गई हैं इस फोन में। सो ये चीज तो बेटर है कि कैमराज कमाल के हैं। अब यहाँ पर आप इस फोन के कैमरा सैंपल्स को देखें और टेस्ट करें कि क्या आपको ये चीज अच्छी लगती है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर दोनों फोटोज दिखाऊंगा, बिफोर आफ्टर जो मैंने कैप्चर की उसके बाद जिसको मैंने एडिट किया, सो सारी चीजें क्लियर करूंगा आपकी, वीडियो सैंपल्स भी दिखाऊंगा और उसके बाद बात करते हैं। तो ये चीज़ चेक करवाने का मकसद ये है आपको कि वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड भी इस फ़ोन में आता है। सो ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी अगर आपने ब्लॉगिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए इस फ़ोन को बाय करना है। सो ये चीज़ आपको चेक करवानी है कि इसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड भी आता है और आपको इसके माइक की आउटपुट का भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर एक और काफ़ी मुझे कमाल की चीज़ लगी और जो कि आपने इसके सैंपल्स भी देखे होंगे, 4K वीडियो या 30 FPS पे आप रिकॉर्ड करोगे। सो फ्रंट कैमरा इतना ज़्यादा खास नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, आप ये बोल सकते हैं कि फ्रंट कैमरा नॉर्मल है लेकिन यार क्वालिटी कमाल की है। उसके अलावा अगर इसे फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो यार साइड माउंटेड आता है जिसकी स्पीड मुझे इंप्रेस कर गई है, बिकॉज अच्छी स्पीड के साथ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। और जैसे ही आप इसको लॉक करोगे ना यहाँ पर एक एनिमेशन आती है जो कि काफी ज्यादा कूल लगती है, ये चीज आपको भी कूल लगेगी उम्मीद तो यही है। और एंड्रॉइड OS 10 के ऊपर बेस्ड है जहाँ पर आपको इन्फिनिक्स का लेटेस्ट UI देखने को मिलता है, XOS, उसके अलावा इसमें आपको बॉक्स में XOS के मेंबरशिप कार्ड भी मिलता है देखने को। तो इसमें आपको अभी तक तो एडवर्टाइजमेंट मुझे नहीं मिली बिकॉज मैंने इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे आपको काफ़ी एडवर्टाइज देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ को आप रिमूव कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर को आप रिमूव या ब्लॉक नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा कचरा वगैरह भरा हुआ है। खैर उसके अलावा अगर बात करें ना फ़ोन के मेन की फीचर की, लाइक इस फ़ोन का मेन की फीचर यही है MediaTek Helio G90T, यार ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी और आपके एक्सपीरियंस को मोर देन मोर बेटर बनाने के लिए ये चीज़ डाल दी गई है। अब इस फोन की प्राइस 35,000 है लेकिन आपको मिल रहा है जी 33,500 या 33,000 में ऑफलाइन में। अब इस प्राइस टैग में G90T का तो यार अपना ही लेवल है, और G90T में जो पबजी प्ले होती है या रन होती है वो एक्सट्रीम में चलती है। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इस फोन में आपको जो है वो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, लाइक आपका गेमिंग एक्सपीरियंस 90Hz G90T उसके साथ लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी लाइक बेटर देन बेटर है। और 33,000 की प्राइस में ये फोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, और रेडमी नोट 9 से भी ये फोन अच्छा है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे या लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा तारीफें कर रहा है, शायद पेड हो, ये फोन अपने पैसों से लिया, किसी कंपनी ने या इन्फिनिक्स ने मुझे नहीं भेजा। सो जो चीजें मुझे अच्छी लगी, जो चीजें मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस फोन को जो है अनबॉक्सिंग से पहले यूज किया है, फिर आपको ये चीजें बता रहा हूं। सो पबजी के लिए ये लेवल का फ़ोन है क्योंकि आपको पता है कि एक्सट्रीम पर पबजी चलेगी, उसके अलावा कैमराज लेवल के हैं। और अगर यहाँ पर बैटरी की बात की जाए, यहाँ पर आपको 45 mAh की बैटरी देखने को मिलती है लेकिन यहाँ पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अब बैटरी मैं बोलूँगा कि लिमिटेड है, लाइक 5000 mAh तो नॉर्मल हर फोन में आ रही है लेकिन यहाँ पर 45 mAh है। बात यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर आपको बैटरी कम मिल रही है ना तो फास्ट चार्जिंग मिल रही है, वजह यह है कि इन्होंने दोनों चीज़ों को स्टेबल करना होता है। अगर ये आपको कहते हैं या आपको क्लेम करते हैं ये जो फोन है ये 30 मिनट में 70% चार्ज हो जाता है, तो बैटरी थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर 6000 mAh आ रहा हो तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन बैटरी टाइमिंग अच्छी है तो फिर आपको फास्ट चार्जिंग भी कमाल की मिल रही है। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेगी। और अगर इस फोन के इन हैंड फील की बात की जाए या फिर इसके वेट की बात की जाए, यहाँ पर आपको 205 ग्राम इसका वेट देखने को मिलेगा। हाँ वेट है ज्यादा है, लेकिन इन हैंड फील अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको डिस्प्ले बड़ा चाहिए, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज मेरे फोन का भी डिस्प्ले बड़ा है। ये चीज मुझे पसंद है कि बड़े डिस्प्ले वाले फोन
फोन्स। यहाँ पर अगर गेमिंग करनी है तो सारी सी बात आपको डिस्प्ले बड़ा चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज ठीक है लेकिन वेट थोड़ा सा ज्यादा है। वो वजह यह है कि इसमें अगर कंपोनेंट अच्छे डाले हैं तो वेट तो ज्यादा होना ही है। सो वेट के मामले में है थोड़ा सा इसमें वेट ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इन हैंड फील की बात करूँ तो मेरे हैंड में तो बिल्कुल ये पूरा आता है। ये देखो ये चीज़ है, वेट है थोड़ा सा। और यहाँ पर आपको FHD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है डिस्प्ले में, जहाँ पर आप 1080p के ऊपर वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद आपको ब्राइटनेस भी अच्छी मिल रही है अगर आप आउटडोर भी यूज करते हो तो। हाँ इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है लेकिन नॉर्मल से ज्यादा अच्छी है। आउटडोर में आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस आएगा लेकिन इनडोर ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका। सो ओवरऑल अगर फोन को लेकर बात करेंगे ये फोन मुझे कैसा लगा और क्या आपको इसको बाय करना भी चाहिए या नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बाय लाजमी से करेंगे। और अगर आप डिस्काउंट पे करना चाहते हैं तो आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फोन का डिस्प्ले साइज आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 7 इंच का है ठीक है, लेकिन गेमिंग के लिए डिस्प्ले बड़ा चाहिए। सो ये चीज से मैं एग्री करता हूँ, 90Hz है, ये रियल चीज है, ये फेक नहीं है कि 90Hz हमें लिख दिया। उसके अलावा G90T 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज और मतलब कि सारी चीजें लेवल की हैं इस फोन में। और मैं नहीं ये समझता कि ये फोन बिल्कुल बेकार है, बिकॉज 33,000 की प्राइस में एक लेवल का फोन है, एक एंड लेवल का फोन है। पबजी के लिए बेस्ट है, 90Hz है, कैमराज के लिए भी बेस्ट है। कैमराज आप जब नॉर्मल पिक्चर्स लेते हो आप कितनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आफ्टर एडिट इसी में जो एडिट का ऑप्शन है उसमें आपको काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस फिर लगेगा कैमराज का। तो यार मुझे उम्मीद है कि आपने ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैमराज क्वालिटी टोटली इस फोन को इस वीडियो में चेक कर लिया है और आपको भी पसंद आया होगा। तो अगर आप बाय करने की सोच रही हैं तो चेक द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में, मेरा वीडियो अच्छी लगी है, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।